जी सर, नितिका और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉर्थ थिएटर्स पे। तो आज हम आए हैं सुषमा डाउनटाउन में, फर्दर डिटेल्स के लिए हम सर से बात करते हैं। हेलो एवरीवन, सो टुडे आई एम गोइंग टू शो यू दिस सुषमा डाउनटाउन, जो कि हमारा PR7 रोड के ऊपर आ जाता है। सुषमा डाउनटाउन के अंदर वी हैव एक्वायर्ड 60 एकर्स ऑफ लैंड, जो कि हमारी PR7 रोड एयरपोर्ट रोड के ऊपर आ जाती है। इस 60 एकर्स की लैंड पे सुषमा ग्रुप इज गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू इंटीग्रेटेड टाउनशिप। 60 एकर्स की हमारी यहाँ पे इंटीग्रेटेड टाउनशिप हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें हमारे 4 प्रोजेक्ट्स आते हैं। सुषमा बेलेजा, विच इज़ रेजिडेंशियल गोल्ड सीरीज का प्रोडक्ट आ जाता है हमारा। उसके बाद हमारा सुषमा वेलेंशिया, ये भी हमारा रेजिडेंशियल प्रीमियम प्रोजेक्ट आ जाता है। उसके अलावा हमारा मेट्रोपोल एंड इम्पीरिया, बोथ आर दी कमर्शियल। तो इस 60 एकर्स की लैंड में हम 4 प्रोजेक्ट्स जो है हम कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं आपके लिए। तो सुषमा बेलेजा की हम बात करेंगे, तो जो सुषमा बेलेजा है ये हमारे एक गोल्ड सीरीज का प्रोजेक्ट आ जाता है। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास हाई राइज प्लस लो राइज कॉन्सेप्ट रहेगा। अब इस प्रोजेक्ट की अगर हम लोकेशन की बात करें तो PR7 रोड, जो कि हमारी एयरपोर्ट रोड है, उसके ऊपर हमारा प्रोजेक्ट आया जाता है सुषमा बेलेजा के नाम से, गोल्ड सीरीज का प्रोडक्ट। अब इस लोकेशन की अगर हम बात करें तो लोकेशन बहुत अच्छी है, लोकेशन बहुत प्राइम है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको मल्टीपल स्टेट कनेक्टिविटी मिल जाती है। ये अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो सुषमा बेलेजा में आपका फ्लैट है, अकोमोडेशन है आपकी, तो यहाँ से आप पंचकुला हरियाणा की तरफ, कालका शिमला हाईवे की तरफ, मोहाली एयरपोर्ट की तरफ, चंडीगढ़ की तरफ विद इन 15 to 20 मिनट्स डिस्टेंस के अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ से आपको 10 to 15 मिनट ड्राइव के अंदर आपको ईजिली एसेसिबल लोकेशन सभी की सभी रहेंगी। तो सुषमा बेलेजा की अगर हम बात करें तो जो हमारा बेलेजा का सैंपल है वो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। सुषमा बेलेजा को हम गोल्ड सीरीज का प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं, इस लोकेशन पे 3400 स्क्वायर फीट का जो फ्लैट है वो हमें सुषमा बेलेजा के अंदर मिलेगा। एंड सुषमा बेलेजा की जो खासियत है वो ये है कि यहाँ पे हमने एक गोल्फ कोर्ट भी दिया है, यहाँ पे एक हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग दी है। एंड इन फ्यूचर जो हमारी इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ आने वाली हैं, इलेक्ट्रिकल कार्स आने वाले, जो हमारा फ्यूचर है जो पेट्रोल डीजल के अलावा, तो उसके लिए हमने जो गाड़ियों के चार्जिंग पॉइंट है वो भी हमने बेसमेंट पार्किंग में प्रोवाइड किए हैं। तो इस वजह से ये जो प्रोजेक्ट है हमारा गोल्ड सीरीज का प्रोजेक्ट हो जाता है, बिकॉज ऑफ स्पेशियस फ्लैट्स, एज आई हैव मेंशन 3400 स्क्वायर फीट फ्लैट। तो उसके लिए नेक्स्ट हम आगे अब 3400 स्क्वायर फीट का सैंपल देखेंगे, जहाँ पे आपको मैं फर्दर प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा कि हम क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं और कौन कौन से ब्रांड के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। एवरीवन, सो टुडे आई एम गोइंग टू शो यू सुषमा बेलेजा, जो कि हमारा एक गोल्ड सीरीज प्रोजेक्ट है ऑन द बिहाफ ऑफ लग्जरी रियलिटी। सुषमा बेलेजा जो हमारा प्रोजेक्ट है वो एक गोल्ड सीरीज का प्रोडक्ट है, एक अल्ट्रा लग्जरियस प्रोजेक्ट आ जाता है बिकॉज ऑफ इट्स साइज। जो इसमें हमने जो साइज प्रोवाइड किया डेट इज 3400 स्क्वायर फीट, जिसमें हमारा 4 BHK प्लस अटेंडेड प्लस लाउंज रूम आ जाता है। सुषमा बेलेजा इस एरिया का सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट है, जहाँ पे हमने 4 BHK प्लस अटेंडेंट रूम प्लस लाउंज रूम का स्पेशियस फ्लैट हमने प्रोवाइड किया है। लोकेशन की बात करें तो इस प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है इट्स वेरी प्राइम, PR7 रोड के ऊपर, एयरपोर्ट रोड के ऊपर इसकी लोकेशन आ जाती है। लोकेशन जो प्राइम है उसका रीज़न इस वजह से है बिकॉज यहाँ से हमको मल्टीपल स्टेट कनेक्टिविटी मिलती है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ एंड दिल्ली की। तो आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं इन 5 स्टेट से तो आप यहाँ पर अपना घर ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा प्रोजेक्ट 3400 स्क्वायर फीट के साइज के साथ आपको कहीं भी अवेलेबल नहीं होगा। तो आइए वेलकम एक बार हम इस जो फ्लैट है, जो इस प्रोजेक्ट का 3400 स्क्वायर फीट का सैंपल है, उसका एक बार टूर ले लेते हैं। तो दिस वुड बी आर मेन एंट्री, ड्यूल एंट्री रहेगी 3400 स्क्वायर फीट की सुषमा बेलेजा की। एक एंट्री जो रहेगी हमारी सेपरेट अटेंडेंट रूम यानी सर्वेंट रूम की रहेगी, एंड मेन एंट्री जो रहेगी हमारी वो ये रहेगी। अब जब हम सर सुषमा बेलेजा के अंदर 34 स्क्वायर फीट फ्लैट के अंदर एंटर करते हैं, जो फोयर है इसका वो तकरीबन 6 by 8.5 का एक पैसेज आ जाता है। इसके साथ ही हमारा एक स्टोर आ जाता है, जिसको आप एज ए स्टोर या फिर पूजा रूम यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही एज यू कैन सी दिस इज आवर ड्राइंग रूम, जिसको हम लिविंग रूम भी बोलते हैं। ड्राइंग रूम, लिविंग रूम की अगर मैं साइज की बात करूं तो ये 12 by 23 के साथ प्रोवाइड किया गया हमारा ड्राइंग रूम है। इसके साथ ही हमारा डाइनिंग हॉल आ जाता है। ड्राइंग रूम, डाइनिंग के अलावा हमारा वी हैव आल्सो प्रोवाइडेड दी बार रूम।
अब इस बार रूम को आप एज ए ब्रेकफास्ट काउंटर भी यूज कर सकते हैं या एज ए बार रूम भी यूज कर सकते हैं। हमने इसको बार रूम की तरह दिखाया है कि आप इस स्पेस को आप ऐसे यूटिलाइज कर सकते हो। इस बार रूम के साथ या इस ब्रेकफास्ट टेबल काउंटर के साथ वी हैव प्रोवाइडेड द किचन। सो दिस इज आवर किचन। वी हैव प्रोवाइडेड द फुली मॉड्यूलर किचन रहेगी हमारी, हाइड्रोलिक इसके हमारे वार्डरोब्स रहेंगे और फुली मशीन जो है मेड किचन रहेगी। इसमें हमने शार्प एजेस को अवॉइड किया है सो डैट यहाँ पे आपको काम करने में किसी भी तरह की कोई डिफिकल्टी ना आए। अगेन यहाँ पे हमने वर्किंग ट्राइंगल पे काम किया है क्योंकि अगर एक ही टाइम पे तीन लोग काम कर रहे हैं तो उनको आपस में काम करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए, मैसी ना हो, इसलिए हमने यहाँ पे वर्किंग ट्राइंगल यूज किया है। वर्किंग ट्राइंगल क्या होता है कि हमारा जो यूटेंसिल्स का वॉश बेसिन होता है और जो हॉब होता है और जो रेफ्रिजरेटर है, इनकी जो पोजीशनिंग होती है वो इस तरह से की जाती है कि एट द सेम टाइम तीन लोग काम कर सके। अब इस किचन की सबसे खासियत जो है वो है, एक तो हमने यहाँ पे ड्राई किचन प्रोवाइड की है, दिस इज अ ड्राई किचन। इसके अलावा जो हमारी वेट किचन आ जाती है उसका जो एरिया है वो हमने बिल्कुल सेपरेट कर दिया है क्योंकि अगर आपकी कोई मेड काम कर रही है, गंदे आपके यूटेंसिल्स हैं, उसको वॉश करने के लिए सेपरेट एक वो कर दिया, डिश वॉशर हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया सो डैट अगर आपके गेस्ट बैठे हैं ड्राइंग रूम डाइनिंग में वहां पे उनको मैसी ना लगे, वहां पे आपको कुछ भी गंदा ना लगे। तो किचन के साथ वी हैव प्रोवाइडेड द यूटिलिटी एरिया। एज यू कैन सी इट्स ए ह्यूज यूटिलिटी एरिया। इस एरिया को आप अपने वॉशिंग मशीन को प्लेस करने के लिए भी रख सकते हैं, आप अपने जो कपड़े हैं क्लोथ्स हैं उसको वॉश कर सकते हैं। सो दिस इज आर अटेंडेंट एरिया जिसको हम सर्वेंट एरिया भी बोलते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बाहर से दिखाया था जो कि हमारी डबल ड्यूल एंट्री थी। तो दिस इज अ सर्वेंट जो सर रूम जो आ जाता है सर्वेंट का अटेंडेंट रूम, उसके साथ ही हमारा अटैच वॉशरूम आ जाता है सर्वेंट के लिए। सो इस यूटिलिटी एरिया के साथ वी हैव प्रोवाइडेड द एक्स्ट्रा स्पेस जहाँ पे आप अपने जो कपड़े आयन कर सकते हैं, अलग से आपका कुछ लगेज है या एज ए स्टोर रूम आप इस स्पेस को यूज कर सकते हो। यूटिलिटी एरिया में वी हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड द हर्ब प्लांटर, अगर आप अपने घर में कुछ हर्ब्स लगाना चाहते हैं उसके लिए हम एक आपको अलग से स्पेस भी प्रोवाइड करेंगे। वेट किचन के बाद जो हमारी ड्राई किचन आ जाती है उसके साथ अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं जहां पे हमारा फर्स्ट बेडरूम आ जाता है जिसको हम गेस्ट बेडरूम बोलते हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट बेडरूम जिसको हम गेस्ट बेडरूम बोलते हैं। अब अगर हम इस साइज की बात करें, जैसे कि मैंने मेंशन किया दिस इज आवर गोल्ड सीरीज प्रोडक्ट, तो साइज की बात करें तो 11x15 का साइज हमने गेस्ट बेडरूम का रखा है जिसके साथ हमारा कॉमन वॉशरूम आ जाता है जो कि हमारा ड्राइंग रूम और डाइनिंग के साथ कॉमन रहेगा। वॉशरूम के अलावा वी हैव प्रोवाइडेड द वार्डरोब्स। हर रूम के अंदर हमारी वार्डरोब्स प्रोवाइड की गई हैं और रूम वार्डरोब्स की अगर आप पोजीशनिंग देखें वो वॉल के अंदर है। इससे क्या होता है जो हमारा 11x15 का एक्चुअल साइज है वो एक्चुअल ही रहता है, ऐसा नहीं है कि अगर वार्डरोब बाहर रहती तो हमारा जो एक्चुअल साइज है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता, बट यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, हमारी जो वार्डरोब्स है वो वॉल के अंदर चली गई है। एंड इस रूम की अगर बात करें तो 11x15 का हमने साइज प्रोवाइड किया है जो कि हमारा फर्स्ट बेडरूम है गेस्ट बेडरूम। इसके बाद हमारा एक लाउंज रूम आ जाता है। लाउंज रूम में क्या है कि अगर आपके ड्राइंग रूम और डाइनिंग हॉल में कुछ गेस्ट बैठे हुए हैं और उसके अलावा आप अपने रूम्स में ना बैठकर आप अलग से एक लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं, पूल टेबल रखना चाहते हैं, अलग से कुछ पूजा करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक लाउंज रूम प्रोवाइड किया गया है जहाँ पर आप अपना लेजर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसके बाद हमारा सेकेंड बेडरूम आ जाता है जिसको हम किड्स बेडरूम बोलते हैं। 11x14 का साइज हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है किड्स बेडरूम के लिए। अगेन यहाँ पे वी हैव प्रोवाइडेड द वार्डरोब्स एज यू कैन सी। किड्स बेडरूम हम इस बेडरूम को इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पर जो हमने अटैच वॉशरूम दिया है उसमें हमने वी हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड द बाथ टब। बाथटब फॉर किड्स अप टू 10 or 12 ईयर्स तक के बच्चों के लिए हमने ये बाथटब प्रोवाइड किया है। उसके किड्स बेडरूम के साथ ही वी हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड द बेल्कनी।
बैल्कनी आप देखें 6 फीट वाइड बैल्कनी एंड लेंथ की बात करें तो 15 फीट इसकी लेंथ है, 6 फीट वाइड बैल्कनी है। तो हर रूम के साथ हमने एक ओपन स्पेस ज़रूर प्रोवाइड किया है, क्योंकि आप हर इंसान को चाहिए कि वो एक स्पेस जो ओपन स्पेस है उसको एक्सेसिबल कर सके। दिस इज अ थर्ड बेडरूम। जो थर्ड बेडरूम है उसका अगेन साइज वी हैव प्रोवाइडेड विद द 11x15 का हमारा थर्ड बेडरूम का साइज रहेगा। और इसके अगर हम वॉशरूम की बात करें तो अटैच वॉशरूम अगेन वी हैव प्रोवाइडेड विद द वार्डरोब्स। अब थर्ड बेडरूम में आप स्पेशल देखने वाली चीज़ क्या है कि इसकी जो वार्डरोब्स हैं और जो वॉशरूम्स हैं वो एक ही अलग सेपरेट एरिया में प्रोवाइड की गई है, सो डैट हमारा जो 11x15 का साइज है थर्ड बेडरूम का वो कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। सो हेयर दिस इज अ थर्ड बेडरूम। तो हियर दिस इज आवर फोर्थ बेडरूम जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है इस प्रोजेक्ट का। साइज की अगर हम बात करें तो 12x17 का साइज रहेगा, क्योंकि मास्टर बेडरूम जो है उसका साइज भी वैसा ही होना चाहिए, विच इज 12x17 विद द वुडन फ्लोरिंग वी हैव प्रोवाइडेड। इसमें जो हमारी फ्लोरिंग रहेगी वो वुडन रहेगी। एंड इसके साथ जो हमारा ड्रेसिंग एरिया में अगर आप इसकी वार्डरोब्स देखें, इट इज़ वेरी ह्यूज, बहुत स्पेशियस हम इसमें वार्डरोब्स प्रोवाइड की गई हैं, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग दी 3400 square feet फ्लैट। तो उसके साथ जो उसकी वार्डरोब्स हैं, उसकी स्पेस है, वैसे ही होनी चाहिए। वार्डरोब्स के अलावा जो हमारा वॉश बेसिन एरिया आ जाता है, एज यू कैन सी स्पेस इज वेरी गुड। एंड इस प्रोजेक्ट के अंदर जो कि 3400 स्क्वायर फीट के फ्लैट के अंदर हमने वी हैव आल्सो प्रोवाइडेड दिस स्टीम, जैक्वार की हमारी इसमें स्टीम हमने प्रोवाइड की है, सो डैट जैसे आप जिम में जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो यहाँ पर आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इन हाउस स्टीम की फैसिलिटी मिलेगी जैक्वार के साथ। मास्टर बेडरूम के साथ ही हमारी बेल्कनीज आ जाती हैं। सो दिस इज आर ह्यूज एरिया ऑफ बेल्कनी जो कि 6 फीट वाइड बेल्कनी के साथ अगर हम लेंथ की बात करें तो ये अप्रॉक्स 120-125 feet तक हमारी लेंथ चली जाती है बेल्कनी की। सो दिस इज द बेल्कनी एरिया जहाँ पर आप इवनिंग टाइम में, मॉर्निंग टाइम में बैठकर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लेजर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सो ड्राइंग रूम के साथ हमारी वुडन बेल्कनी आ जाती है 3400 square feet के फ्लैट के साथ। तो अगर आप देखें जो हमारी ड्राइंग रूम के साथ बेल्कनी है, वहाँ से अगर हम मास्टर बेडरूम तक की बेल्कनी देखें तो जो लेंथ है वो मोर देन 120-125 feet के से भी ज़्यादा लेंथ हो जाती है हमारी बेल्कनीज की। जो बेल्कनी की विड्थ है डेट इज 6 feet वाइड। जो गोल्ड सीरीज का प्रोडक्ट है हमारा सुषमा बेलेजा, PR7 रोड के ऊपर, एयरपोर्ट रोड के ऊपर इसकी लोकेशन आ जाती है। मल्टीपल स्टेट कनेक्टिविटी हमें यहाँ पे मिल जाती है, और फ्यूचर को देखते हुए यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, जो कि हमारा फ्यूचर है, इलेक्ट्रिकल कार्स का फ्यूचर है, उसके लिए हमने कार चार्जिंग पॉइंट भी दिया है जो कि बेसमेंट पार्किंग में रहेगा। और पार्किंग की समस्या यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रहेगी, बिकॉज वी हैव प्रोवाइडेड द बेसमेंट पार्किंग। यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में आपको एक रिजॉर्ट जैसी फीलिंग आएगी, क्योंकि 12 एकड़ के प्रोजेक्ट के अंदर सुषमा बेलेजा में हमने देर आर मल्टीपल एमिनिटीज रहेंगी। वो गोल्फ कोर्ट की बात करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें जहाँ पे आप अपनी वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं, फिर अगेन टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट की बात करें, बास्केटबॉल, जिम की फैसिलिटी यहाँ पे मिलेगी, स्विमिंग पूल यहाँ पे मिलेगा आपको, गोल्फ कोर्ट यहाँ पे मिलेगा, इंटरनल शॉप्स मिलेंगी यहाँ पे, जो आपको वॉकिंग ट्रैक्स मिलेंगे वो म्यूजिकल रहेंगे। सो डैट एक जहाँ पर आप एक गोल्ड सीरीज का प्रोजेक्ट में घर बाय करने जा रहे हैं, तो वहाँ का जो लाइफ स्टाइल भी है वो भी एक गोल्ड सेगमेंट का हमारा होना चाहिए। तो अगर कोई भी क्लाइंट या कोई भी कस्टमर एक बड़ा फ्लैट देखना चाह रहा है अप टू 3400 square feet या मोर देन 3400 square feet, तो वी हैव सुषमा बेलेजा जो कि हमारा एक गोल्ड सीरीज का प्रोजेक्ट है एयरपोर्ट रोड के ऊपर। तो आप यहाँ पर आएँ, सुषमा ग्रुप में विजिट करें, एक बार ये प्रोजेक्ट ज़रूर देखें, सो डैट आप अपने सपनों का घर जहाँ पे आपको एक लाइफस्टाइल मिलता है, आप यहाँ पे विजिट करें और इस पे हम आगे फर्दर इसको अपने घर को बाय कर सकें।